हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने बच्चों को ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प ले सकते हैं कि किस टाइप से आपको प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है। सो यह द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश सर्कल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फिगर के अंदर आपको चेक करना है कितने सर्कल्स हैं। चेक करो। फोर। नो, ध्यान से देखो। वन टू थ्री एंड फोर। नो, देखो ये वाला जो सर्कल है बड़ा वाला, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, तो ये भी तो एक अपने आप एक बड़ा सर्कल, एक सर्कल हुआ ना, और इसके अंदर एक और सर्कल है, मीन्स ये दो सर्कल हो गए हैं। ठीक है, वन टू, टू सर्कल ये हो गए। इसी तरीके से इसमें है तो टू प्लस टू फोर सर्कल हो गए, फाइव एंड सिक्स। सो हेयर द आंसर इज सिक्स। सो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको पहले इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, ये पैटर्न क्या है, किस टाइप से ये पैटर्न बनाया गया है, और उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पे मिसिंग है उसको फिल करना है। ठीक है, अब देखो आप, ये फर्स्ट नंबर इज हियर थ्री, नाउ नेक्स्ट नंबर इज एट। अब देखो हमें पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम इसका गैप निकालेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी कि हम एट माइनस थ्री करेंगे। एट माइनस थ्री कितना होता है, एट माइनस थ्री फाइव। मीन्स इन दोनों के बीच में फाइव का डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करें एट, एट के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास थर्टीन। अब देखो थर्टीन और एट में कितना डिफरेंस है, थर्टीन माइनस एट करो, थर्टीन माइनस एट फाइव। थर्टीन माइनस एट कितना होता है, फाइव होता है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। मीन्स आप देखो यहाँ पे इन दोनों नंबर के बीच में भी फाइव का डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच में भी फाइव का डिफरेंस है, तो यहाँ से और यहाँ पे जब हम जाएंगे तो इस नंबर और इस नंबर के बीच में भी क्या होना चाहिए, फाइव का डिफरेंस होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इस थर्टीन में फाइव ऐड कर देंगे, एटीन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर, एटीन। इसको हम फिल करेंगे एटीन, और यहाँ पे नंबर एटीन है ये सी पे, तो सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज रैकेट डैश इज द सिक्स फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पे क्या करना है आपको समझ में आया, राइट साइड है उसमें से सिक्स काउंट करने हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करना है हमें, ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है, तो राइट साइड से हमें चेक करना है कि कौन सा रैकेट है जो कि सिक्स नंबर पे है। अब काउंट करो आप, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। सिक्स मीन्स ये जो आर नंबर का जो रैकेट है हमारा, ये हमारा सिक्स पोजीशन पे है। ठीक है, हाँ। हम क्या करेंगे अब, इस आर को टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज रिप्रेजेंटेड बाय पी इन द गिवन फिगर। यहाँ पे ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखो आप पी है, क्यू है, आर है। सो इसने पूछा है यहाँ पे कि जो भी पी कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें बताना है। अब देखो आप पी कहाँ लिखा हुआ है, पी स्क्वायर में, स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर को, तो यहाँ पे स्क्वायर को टिक कर दे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन इज दिव्यास पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी फॉल्स ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ मार्च, ईयर दिया हुआ है कुछ, ऑन विच डेट इज हर पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी। इसका क्या मतलब हुआ समझ में आया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिव्या के पेरेंट्स की जो एनिवर्सरी है वो कब है, थर्ड फ्राइडे मार्च के थर्ड फ्राइडे को। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसमें थर्ड फ्राइडे कौन सा है। अब देखो आप कौन सा थर्ड फ्राइडे है, फ्राइडे कहाँ, पहले तो ये देखो ये है फ्राइडे, अब इसमें देखो थर्ड फ्राइडे कौन सा है, इसमें देखो ये है फर्स्ट फ्राइडे, ये है सेकंड फ्राइडे, और जो 16 है ये हमारा क्या है, थर्ड फ्राइडे है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड फ्राइडे 16 को है, तो 16th ऑफ मार्च को उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टॉफीज आर आउटसाइड द जार, फाइव। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, फाइव लिखा हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली सेम एज अ गिवन फिगर। देखो ये हमें फिगर एक दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि सेम ऐसा का ऐसा फिगर इन चारों में से कौन सा है। ये वाला, ओके गुड, तो हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज डैश ग्रुप्स ऑफ फोर पैरेट्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन पैरेट्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, फोर फोर पैरेट्स के ग्रुप्स बनाने हैं और फिर बताना है कि कितने
ग्रुप्स हम यहाँ पे बने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये फोर पैरेट का एक ग्रुप बन गया। हाँ 1 2 3 4 ये सेकेंड ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 ये थर्ड ग्रुप हो गया। तो टोटल कितने ग्रुप्स बने? थर्ड थ्री बने, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, इफ ये एक शेप दी हुई है इज टू दिस, मतलब ये शेप जो है वो कन्वर्ट हो गई इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि अगर ये शेप इस तरीके से कन्वर्ट हो गई तो ये जो शेप है ये कैसे कन्वर्ट होगी, इसमें से आंसर बताना है। ये वाली। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज शोन बिलो, यहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ मनी है आपको काउंट करना है। 20 + 10 = 30, 30 + 5 = 35, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर दें। नाउ नेक्स्ट इज कैट डैश इज बिटवीन कैट यू एंड कैट टी, पहले आप देखो कैट यू और कैट टी कहाँ है, कैट यू कौन सी इनमें से और कैट टी कौन सी है। ये है कैट यू, ये है कैट टी। अब क्या पूछ रहे हैं, कैट यू और कैट टी के बीच में कौन सी कैट है? आर। आर, सो क्या करेंगे हम, ऑप्शन सी को टिक कर दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज लीस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें देखना है कि किसमें सबसे कम ऑब्जेक्ट्स है। से है। गुड। नेक्स्ट इज द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, ये एक नंबर लाइन दी हुई है, अब आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है। देखो हम पहले थे जीरो पे, ठीक है, जीरो से मूव किए थ्री पे, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। अब थ्री के बाद देखो 4 then 5 then 6 then 7 then 8, जब हम एडिशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो से फर्स्ट नंबर पे मूव कर जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है थ्री है। उसके बाद क्या आएगा, फोर पे गए, फिर फाइव पे, फिर सिक्स पे, फिर सेवन पे, फिर एट पे, यानी कि ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 5। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं, 5 more than 3, 5 more than 3 हमारे कितने होते हैं, 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट इज इफ ईच एप्पल स्टैंड्स फॉर 1 unit देन द वेट ऑफ द कैट इज डैश यूनिट्स, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो एप्पल्स हैं जितनी एप्पल्स हैं उतना ही इस कैट का वेट है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब जो एक एप्पल वो एक यूनिट के बराबर है, तो हमें यहाँ पे देखना है टोटल कितनी एप्पल है, जितनी यहाँ पे टोटल एप्पल्स हैं उतना ही इस कैट का वेट है। तो आप देखो यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इस कैट का वेट कितना हो गया, 15 यूनिट्स, ठीक है। सो ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स, यहाँ पे एक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ये लेफ्ट साइड की इक्वेशन है और ये राइट साइड की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 68 - 50 और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 25 + 12, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर हमें करेक्ट सिंबल बताना है, यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, ग्रेटर आएगा, लेस देन आएगा, या इक्वल टू आएगा, या फिर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सो अब देखो 68 में से आपको क्या करना है, 50 माइनस करना है, 8 - 0 = 8 और 6 - 5 = 1, यहाँ पे क्या करना है, 25 + 12 करना है, तो 25 और हमने 12 इसमें ऐड किया, 5 + 2 - 7 और 2 + 1 - 3, फिर लेफ्ट साइड का नंबर हमारे पास आया 18 और राइट साइड का नंबर हमारे पास आया 37। अब इसमें से कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज होगा, ये वाला, यानी कि 18 इज लेस देन 37, सो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को टिक कर दें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिकर देन टॉर्च, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि इस टॉर्च से थिकर है, इस टॉर्च से मोटा है, ये लो, इसको हम टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज समर हैड 12 कुकीज, इफ ही पुट्स ऑल द कुकीज इन टू 3 jars इक्वली देन ही हैज डैश कुकीज इन ईच जार, 12 कुकीज है समर के पास में, उसने 3 jar लिए और तीनों जार के अंदर इक्वल कुकीज़ को डिवाइड कर दिया। सो अब हमें बताना है कि एक जार में कुल कितनी कुकीज़ हैं, 12 थी टोटल, 12 को क्या किया उसने, डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में, 3 jar है हमारे पास, 1 2 एंड 3। अब जब हम 12 कुकीज़ को 3 पार्ट्स में डालेंगे
तो आप बताओ एक जार में कितनी कुकीज़ आएंगी। आपको अभी डिवीज़न नहीं सिखाए हैं, डिवीज़न अगर सिखाए होते तो हम क्या करते, 12 / 3 करके हम निकाल लेते कि एक जार के अंदर हमारे पास कितनी कुकीज़ है। बट अगर आपको नहीं सिखाए यहाँ पे तो आप क्या करोगे, एक एक जार के अंदर एक एक कुकीज़ रखते जाओ, ठीक है। टोटल हमें कितनी रखनी है, 12 कुकीज़ रखनी है। यहाँ पे हमने 1 रख दी, यहाँ पे होगी 2, ये होगी 3, एक एक होगी तीनों में। हाँ। फिर करा हमने 3 होगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, 4 हो गई, एक जार में 4 हो गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी को टिक करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स कम्स जस्ट आफ्टर द 7th मंथ ऑफ द ईयर। ईयर के 7th मंथ के जस्ट बाद में कौन सा मंथ आता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। 7th मंथ कौन सा होता है पहले आप ये चेक करो, कौन सा मंथ हुआ, जुलाई, और जुलाई के जस्ट आफ्टर कौन सा मंथ आएगा, अगस्त। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अगस्त, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज, कबीर हैज 50 rupees नोट, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द गिवन पॉपकॉर्न बकेट। अगर उसको पॉपकॉर्न बकेट लेनी है, उसके पास कितने रुपए हैं, 50 rupees है। पॉपकॉर्न बकेट कितने की है, 65 rupees की है। अब उसको कितनी और मनी की जरूरत होगी, नीड होगी, ताकि वो इस पॉपकॉर्न बकेट को खरीद सके, 25 यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 50. दीज आर सम लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड वर्कशीट्स फॉर किड्स। आई होप आज की वर्कशीट्स भी आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ। वर्कशीट्स अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।